हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्वाड्रपल बॉन्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जिसको आप अपने MSc सेमेस्टर एग्जाम्स में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो क्वाड्रपल बॉन्ड क्या होता है? अ क्वाड्रपल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन्वॉल्विंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबल क्वाड्रपल बॉन्ड आर मोस्ट कॉमन अमंग द ट्रांजिशन मेटल इन द मिडिल ऑफ द डी ब्लॉक सच एस रहनियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम एंड क्रोमियम। ठीक है, सो बेसिकली क्वाड्रपल बॉन्ड क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसका आप समझें, सो किसी भी दो मेटल एटम्स के बीच 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब 4 बॉन्ड होता है। ठीक है, तो किसी भी जो दो मेटल एटम्स के बीच 4 बॉन्ड होता है तो वहां पे क्वाड्रपल बॉन्ड होता है। और ये जो सबसे ज्यादा जो स्टेबल क्वाड्रपल बॉन्ड बनता है वो मोस्ट कॉमन होता है ट्रांजिशन मेटल में, मतलब डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के जो बीच वाले जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि रहनियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, इन सब के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको क्वाड्रपल बॉन्ड कहा जाता है, या फिर सबसे स्टेबल क्वाड्रपल बॉन्ड जो है इनके बीच बनता है। ठीक है, तो यहां पे हम रहनियम कंपाउंड का एग्जांपल लेके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बॉन्डिंग इनका इनके बीच कैसे होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये रहनियम कंपाउंड है, तो बेसिकली इनका प्रिपरेशन इस प्रकार से होता है जिसमें एक्स के जगह आप जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, जो भी आयोडीन, जो भी हैलोजेंस हैं ये आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहनियम कंपाउंड है। तो इसके बीच क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो रहनियम है मेटल ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे रहनियम के बीच जो है 4 बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे रहनियम के बीच जो है 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये जो 4 बॉन्ड है इसमें जो 2 बॉन्ड होंगे ये आपके पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक डेल्टा बॉन्ड होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक डेफिनेशन आपको, बेसिक इंट्रो आपको ये लिखना है क्वाड्रपल बॉन्ड से रिलेटेड कि एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड है, और इस क्वाड्रपल बॉन्ड में दो ट्रांजिशन मेटल के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब 4 बॉन्ड होता है। और एग्जांपल के लिए आप देंगे सबसे जो स्टेबल क्वाड्रपल बॉन्ड बनता है वो डी ब्लॉक के बीच वाले जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे रहनियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम और क्रोमियम के बीच सबसे स्टेबल क्वाड्रपल बॉन्ड बनता है। और यहां पे हम एग्जांपल देंगे रहनियम कंपाउंड का। ठीक है, अब ये जो रहनियम कंपाउंड है इसका आप स्ट्रक्चर आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, देखिए बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। ये जो है R2 मेटल्स, ठीक है, इस प्रकार से, और जो है 4-4 क्लोराइड जुड़े हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने 8 क्लोराइड लिए हैं, तो इस प्रकार से N2- आयन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब रहनियम कंपाउंड का इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर, और इसके बीच जो है कौन कौन से बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा और 1 डेल्टा बॉन्ड होगा। अब इसका जो है हमको ये MO डायग्राम, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, मतलब हमको तो ये पता है कि क्वाड्रपल बॉन्ड में जो भी आपके मेटल है, ठीक है, जो भी मेटल है उसके बीच में 4 बॉन्ड है, लेकिन इसको हमको प्रूफ भी करना है ना कि कैसे 4 बॉन्ड है, कैसे पता चला, तो उसका हम जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ये जो है Ra2Cl4 2- का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे रहनियम कंपाउंड का। तो ये R को X मान लेंगे, तो ये 2X+8-1, ठीक है, बेसिकली ये जो है एज अ लिगेंड जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये एक जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पे 8-1=-2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 2X-8=-2 2x, तो ये 8 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x=6 एंड ये x बराबर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन एक जो r रहनियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 रहनियम है, रहनियम के जो है कितना लास्ट जो ऑर्बिट होता है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 7 1, तो दोनों के लिए 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 रहनियम है हमारे पास, तो 14 इलेक्ट्रॉन, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। ठीक है, 1 का 3 है और दोनों का मिला के 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इस 8 इलेक्ट्रॉन को जो है हम फिर इसमें जो है ये MO डायग्राम में इसमें हम भरेंगे। ठीक है, एनर्जी डायग्राम में, तो यहाँ पे ये सिग्मा पाई एंड पहला सिग्मा ऑर्बिटल, फिर पाई, फिर ये डेल्टा,
एंड ये जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो 2 यहाँ भरेगा, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। पहले जो है सिग्मा में, उसके बाद पाई में, उसके बाद डेल्टा में, तो इस प्रकार से ये टोटल जो है 8 यहाँ पे भर गया। एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, क्योंकि हमारे पास ओनली 8 है। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, अभी हम भर दिए एमओ डायग्राम में। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे हैं, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपॉन 2। तो यहाँ पे 8 जो है बॉन्ड में भरे हैं इस प्रकार से, एंड एंटी बॉन्डिंग में 0 है, अपॉन 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल गया 4, मतलब कि जो भी जैसे रहनियम कंपाउंड का हमने निकाला है बॉन्ड ऑर्डर 4, मतलब कि मेटल मेटल के बीच 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का ही मतलब होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ भी हो जाता है कि रहनियम रहनियम के बीच जो है 4 जो है ये बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारा रहनियम कंपाउंड में क्वाड्रपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो है इनके बीच जो क्वाड्रपल बॉन्ड है, ये पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक है, ESR एक्टिव है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इसके प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना जो है क्वाड्रपल बॉन्ड से रिलेटेड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट इज क्वाड्रपल बॉन्ड, तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता होता है, जैसे ये नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में किस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं उसका मैंने ये छोटा सा नोट्स आपको प्रोवाइड किया। आई होप कि आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल हो। बेसिकली वही क्वाड्रपल बॉन्ड पूछा जाता है, तो आप ये अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो आप भी इतना ही पॉइंट जो है आप लिख के थोड़ा सा थ्योरी जो है अपने से भी आप एक्सप्लेन कर दोगे तो भी इनफ रहेगा, ठीक है। तो ये था क्वाड्रपल बॉन्ड का डिटेल एक्सप्लेनेशन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस हेरिटेड नोट्स का PDF चाहिए यूनिट वाइज, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF स्टोर का लिंक मिलेगा, जहां से आप डायरेक्ट इंस्टामोजो की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, एंड वहां से आप जो है यूनिट वाइज PDF ले सकते हैं BSc एंड MSc लेवल के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बेसिकली हर एक यूनिट में जितने भी आपको इमेज में जो टॉपिक दिख रहे होंगे, सभी का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स आपको PDF में मिलेगा, तो आपको जिस यूनिट की नोट्स की आवश्यकता है आप वहां से ले सकते हैं चेकआउट करके। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है, तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।